सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज इस वीडियो के अंदर आज हम बहुत ही स्पेशल जो गलत गलत तरीके से लोग अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, मनगढ़ंत धारणाएं जो अपने बना रहे हैं, उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस ऑन पैसिव को गलत तरीके से समझ बैठे हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो ऑन पैसिव के अंदर फाउंडर नहीं बने हैं, बेसिकली वो तो बहुत ज्यादा ही गलत तरीके से इस ऑन पैसिव को समझ बैठे हैं और ना जाने किस किस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र सिंह गोला और आप देख रहे हैं अपने चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और उन लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं जो नए फाउंडर बने हैं। तो सबसे पहले तो वो क्या समझ बैठे हैं इस ऑन पैसिव के लिए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ समझ बैठे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो लोग MLM समझ बैठे हैं इसके लिए कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग है, एक MLM है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपनी टीम बनाई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक MLM कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, यह एक IT कंपनी है। एक पूरा का पूरा एक डिजिटल तरीके से एक बिजनेस सॉल्यूशन है इसके अंदर, पूरी तरीके से डिजिटल बिजनेस इसके अंदर किया जाने वाला है। ये कोई टीम वर्क नहीं है कि आपने 10 लोगों की 50 लोगों की टीम बनाई है तो उसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा, नहीं। ये एक पूरा का पूरा बिजनेस है और इसमें जब कोई हम बिजनेस करते हैं तो उसमें आमदनी की कोई भी लिमिट नहीं होती है। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कभी कभी जीरो भी हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। हर तरीके की इसके अंदर सिचुएशन आती है। दूसरा, बहुत सारे लोग इसको मनी सर्कुलेशन समझ बैठे हैं। भाई, मनी सर्कुलेशन अगर होता तो यहाँ पे लोग टीम के नीचे टीम बनाना शुरू कर देते। यहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि अगर आप लास्ट में भी आए हैं, जिसकी कोई भी टीम नहीं है, चाहे वो पहले आया हो या लास्ट में आया हो, जिसकी कोई टीम नहीं है, उसको भी यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी नहीं होती। तो मनी सर्कुलेशन ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये प्योर IT कंपनी है। तो ये अपना बिजनेस करेगी डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट के माध्यम से। कोई पिरामिड स्कीम समझ बैठा है इसके लिए, तो भाई पिरामिड स्कीम तो केवल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। जो जितनी भी 2-4 महीने के लिए कंपनियां आती हैं, वो एक पिरामिड स्कीम लेके आती हैं। वो पिरामिड स्कीम केवल 2-3-4 महीने के लिए होती है, जब वो पैसा इकट्ठा हो जाता है फिर वो निकल लेती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही बैकएंड में एक लंबी सोच के साथ, एक लंबी प्रोसेस के साथ एक यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। तो ये पिरामिड स्कीम बिल्कुल भी नहीं, और स्कीम है ही नहीं, ये तो बिजनेस है। स्कीम तो उसे कहते हैं जहां पर एक पूरी तरीके से कि बस तुम 10 लोगों को लेके आओ, तुम 5 लोगों को लेके आओ। उसके बाद कोई इसको चैन सिस्टम समझ बैठा है। बहुत सारे लोगों ने जब टीम बनाने की बात कही होगी कि आपकी टीम कितने लोगों की है, तो लोग इसको चैन सिस्टम समझ बैठे। तो मैं आपको बता दूं कि चैन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट का फाउंडर है या जिसने कोई भी टीम नहीं बनाई है, तब भी वो यहाँ पे फाउंडर है और उसको यहाँ पर जितना भी ट्रैफिक आएगा, कम आए या ज्यादा आए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको इनकम मिलने वाली है। तो ये चैन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं, चैन सिस्टम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। कोई स्कैम समझ बैठा है, तो भाई ये तो सबसे बड़ी भूल है। अगर स्कैम किसी भी कंपनी को करना होता है तो वो इतने साल तक कभी भी आपके साथ मार्केट में रुकेगी ही नहीं। जी हाँ, कभी भी इतने साल मार्केट में रुकेगी ही नहीं, केवल 2-4 महीने के लिए, साल भर के लिए आएगी और निकल लेगी। कोई फ्रॉड समझ बैठा है, तो स्कैम और फ्रॉड लगभग एक ही चीज होती है कि किसी को धोखा देना, लूटपाट करना, या फिर किसी को उल्टी सीधी टोपी पहना करके पैसा ऐंठना। तो ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे एक प्योर बिजनेस सही तरीके से किया जा रहा है। गवर्नमेंट की MCA की साइट पर कंपनी पूरी तरीके से रजिस्टर हो चुकी है और जितने भी इसके लीगल डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे हो चुके हैं। यानी कि हर एक कंट्रीज के अंदर जितने भी इसके नियम कानून होते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इंडिया के अंदर ये सब कुछ हो चुका है। कोई लूटपाट वाली कंपनी समझ बैठा है, तो भाई मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा कि ये लूटपाट वाले शब्द जो है बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ये लूटपाट वाले जो शब्द होते हैं वो स्कीम फ्रॉड वाली जितनी भी कंपनियां होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को टोपी पहना करके काम चलाती है, वहां ये सारा काम होता है। कोई नथिंग एल्स का मतलब है कुछ नहीं। बहुत सारे लोग तो इसको कुछ नहीं समझ बैठे हैं, तो भाई मैं तो इतना कहूंगा कि अगर कोई इंसान इसको इस तरीके से देख रहा है, इस तरीके से समझ रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, तो वो इस दुनिया के अंदर बेकार में आ गया है। तो वो ही कुछ नहीं है, वो धरती पे बोझ है। कोई दलाल वाली कंपनी समझ बैठा है, जैसे कि एक यूट्यूबर है, क्या नाम है उसका, सुनील पोर पोस का नाम है उसका। तो वो कहता है कि बहुत सारे यूट्यूबर दलाल हो चुके हैं। तो ऐसे शब्द जो है आने वाले टाइम के अंदर ऐसे लोगों को बहुत अच्छा और करारा जवाब मिलने वाला है कि दलाल किसे कहते हैं।
बहुत सारे लोग इसके 100% जब कंपनी पूरी तरीके से लॉन्च होगी ना तो 100% इसके पास जाएंगे, इसको फोन करेंगे और इसको मैसेज करेंगे, इसको मेल करेंगे, तब इसको बताएंगे कि दलाल और तुमने जो उल्टे सीधे शब्द बोले थे वो आज तुम्हारे सारे के सारे शब्द झूठे हो चुके हैं। कोई कुछ नहीं समझ रहा है तो भाई उनसे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, जो कुछ नहीं समझ रहा है, जो बहुत कुछ समझ रहा है मैं उनसे सब कुछ कहना चाहूंगा कि आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, अब आपका 360 डिग्री पे आपकी लाइफ पूरी तरीके से यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे आ चुकी है। और जो कुछ नहीं समझ रहे हैं उनके लिए बस मैं उससे कुछ भी नहीं बोलूंगा। कुछ धोखेबाज समझ रहे हैं कि ये सब जितना भी काम हो रहा है वो सब धोखा देने वाला काम है, बस आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत जल्दी यहाँ से 9-11 होने वाली है। तो भाई अगर ऐसा होना होता मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया तो अब तक ये हो चुका होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जितने भी इस दुनिया के अंदर लोग होते हैं वो सब एक जैसे सोच के नहीं होते हैं। आप जो है हो सकता है कि आपने भी कभी किसी को धोखा दिया हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी जो सोच है वो आज बिल्कुल वैसी ही है जो पहले थी, नहीं। हर एक व्यक्ति अपनी अलग अलग सोच का होता है और कुछ अपने जो है सही नियत तरीके सही नियत के साथ काम करने के लिए इस दुनिया के अंदर आते हैं, तो ऐसे बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल सही नियत के साथ यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं और वो प्योर बिजनेस करने के लिए आए हैं, डिजिटल तरीके से बिजनेस करने आए हैं, क्योंकि आने वाला दौर उन्होंने भांप लिया है, उन्होंने देख लिया है कि अब जो फिजिकल जो काम होते थे वो सब डिजिटल होते जा रहे हैं, इसलिए और डिजिटल काम करने में सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है। तो यहाँ पे धोखा देने वाली बिल्कुल भी 0% यहाँ पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। कोई इल्लीगल समझ रहा है तो भाई इल्लीगल तो ये तब होगी जब हम इंडिया के अंदर हो या किसी दूसरे कंट्री के अंदर हो, वहां के नियम कानून को फॉलो ना करें, एकदम से बिना किसी को कुछ बताए हम किसी के कंट्री के अंदर घुसाएं, है ना, और वहां पे काम करना शुरू कर दें तो ये इल्लीगल माना जाएगा। आप बिना बताए आप किसी के घर में घुस जाओगे तो वो आपको क्या चाय पानी नाश्ता पूछेगा, वो आपको दो डंडे और दो जूते चप्पल मार के बाहर भगाएगा कि बिना पूछे आप घर में आए कैसे, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। तो यहाँ पे जब भी कोई भी काम यहाँ पे होता है किसी भी कंट्री के अंदर, और दूसरे कंट्री की तो बात छोड़ो अपने कंट्री के अंदर भी अगर कोई काम होता है तो वहां पर भी आपको वहां के नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा, इल्लीगल तरीके से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई बेकार समझ रहा है तो भाई वो तो बेकार समझेगा ही, बेकार इंसान है वो तो सबको बेकार समझता है क्योंकि वो खुद ही बेकार है। वो इसलिए बेकार समझ रहा है क्योंकि वो जितने भी उसके नजर में जितने भी जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं वो सब उसके लिए बेकार है, केवल वो जो काम कर रहा है वो बिल्कुल सही है, बाकी जो दूसरे लोग जितने भी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं वो सब बेकार हैं। तो ऐसे बेकार इंसान के लिए हर काम बेकार ही होता है। कोई इसको लॉलीपॉप समझ रहा है, लॉलीपॉप का मतलब होता है कि बस थोड़ा सा लालच दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा, आने वाले टाइम में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपको यहाँ पे हर घंटे हर मिनट पे जो आपको इनकम आने वाली है और बहुत सारी चीजें आपकी होने वाली हैं, आपको बहुत बड़ी इनकम आने वाली है, तो ये लॉलीपॉप होता है। तो भाई यहाँ पे कोई लॉलीपॉप नहीं दिया जा रहा है और ना ही कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और ना ही यहाँ पे कोई आपको खुल के बात बताई गई है कि आपको हर महीने की इतनी इनकम आएगी, यहाँ पे कोई भी लॉलीपॉप नहीं है। अगर आप इसको लॉलीपॉप समझ रहे हो तो ये लॉलीपॉप नहीं है, ये एक प्योर बिजनेस है और एक आईटी कंपनी है, डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट में रन होंगे, वहां से जो भी इनकम आएगी कंपनी अपने प्रॉफिट का सारे फाउंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब वो कैसे करेगी, किस स्ट्रक्चर के हिसाब से करेगी और वो कौन सा उसका पे स्ट्रक्चर रहेगा वो अपने ऐसा ही बताएंगे जब भी वेबिनार के अंदर आएंगे, वो हम अपने हिसाब से नहीं कह सकते क्योंकि अभी इनकम के बारे में एबीसीडी किसी को कुछ भी नहीं बताया। अगर कोई भी यूट्यूबर बोलता है तो वो बेकार में झूठ बोल रहा है, आप उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कोई बेवकूफ लोगों की कंपनी समझ रहा है, भाई मैं तो इतना कहूंगा कि इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो काम हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े काम हुए वो समझदार लोगों ने कभी नहीं किए हैं। आपने अगर हवाई जहाज में अगर आज आप बैठते हो तो वो भी एक बहुत बड़े बेवकूफ इंसान ने ही हवाई जहाज को बनाया है। जो आप अपने घर के अंदर स्विच ऑन करके बल्ब जलाते हो तो वो भी एक बहुत बड़े बेवकूफ इंसान ने ही उस बल्ब का निर्माण किया है। जो आज एक पानी के ऊपर जो जहाज चलता है वो भी एक बहुत बड़े बेवकूफ इंसान ने बनाया है। जो आज आप फोन से बात कर रहे हो, जो आज आप फोन में मेरी वीडियोस को देख रहे हो, इस फोन का निर्माण भी किसी एक बेवकूफ इंसान ने ही किया है। तो आज जितने भी काम हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा सपने से लगते थे पहले कभी कि नहीं, बहुत सारे लोगों को जो आज ट्रेन आप देखते हो कि जो ट्रेन चलती है पटरी के ऊपर, दो लट्ठों के ऊपर जो ट्रेन दौड़ती है 120 की स्पीड से, 500 की स्पीड से, और अगर उसको सड़क पर दौड़ाया जाए तो नहीं दौड़ सकती, तो उस ट्रेन का निर्माण भी एक बेवकूफ व्यक्ति ने किया है। तो ऐसे बहुत सारे जो
हमारे यहाँ आविष्कार हो चुके हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सभी बेवकूफ लोगों ने ही किए हैं। और एक और बात है, जितने भी इस दुनिया के अंदर अमीर लोग बने हैं, जितने भी लोग अमीर बने हैं, जितने भी लोग उद्योगपति बने हैं, वो सब बेवकूफ हैं। उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, कोई भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लेकिन वही लोग आज अमीर बने हैं बिल्कुल बेवकूफ किस्म के लोग थे। क्यों थे? क्योंकि इनको कुछ अलग टाइप की नॉलेज होती थी, इनको कुछ अलग करने का एक अंदर से एक जुनून होता था, एक अलग से एक इनकी सोच होती थी, तभी वो बहुत सारे समाज से हट करके जो है अलग काम करने के लिए बनते थे। और जितने भी समझदार लोग हैं वो आज वहीं के वहीं हैं, और जितने भी बेवकूफ लोग थे आज वो दुनिया के टॉप पे बैठे हुए हैं। आप खुद उठा के देख लो, अगर ये बेवकूफ लोगों की कंपनी है तो हम बेवकूफ हैं, जितने भी फाउंडर्स हैं वो सब बेवकूफ हैं, हमारे जो एसर हैं वो भी बिल्कुल बेवकूफ हैं क्योंकि वो दुनिया से हटके काम कर रहे हैं, हमारे ढिल्लन सर हैं, अजय दिनेश कोटियाल सर, जितनी भी टीम बनी है इसके अंदर, वो सब बेवकूफ लोगों की टीम बनी है, पागल लोगों की टीम बनी है। और जी हाँ, पागल लोगों का ही काम होता है, क्योंकि इतिहास पागल लोगों ने रचा है, समझदार लोगों ने तो सिर्फ इतिहास को पढ़ा है। कोई भगोड़ा कंपनी समझ रहा है तो भाई ये भगोड़ा कंपनी नहीं है, आने वाले टाइम में आप देखना कि ये कंपनी किस तरीके से तहलका मचाती है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि यूनिकॉर्न कंपनी तो हम बन चुके हैं और आने वाले टाइम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रांड बन चुकी है। अब बस केवल दुनिया को पता लगना बाकी है कि बस ओ करेक्ट क्या है, ओ मेल क्या है, ये ओ ब्लेस क्या है, है ना, ये ओ ट्रैकर क्या है, भाई बस उन लोगों को पता लगना बाकी है, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ रेडी हो चुका है। कोई ऐसी की तैसी करने वाली कंपनी समझ रहा, तो भाई जिसके घर में एसी लगी होती है या एसी नहीं लगी होती है लेकिन वो भी ऐसी की तैसी करने के लिए यहाँ पर नहीं आता है, मैं तो ये कहूंगा कि भाई ऐसी की तैसी वाला जो वर्ड है वो बिल्कुल बेबुनियादी है, बिल्कुल बेकार का वर्ड है। ऐसी की तैसी तो एक गाली के समान हो जाता है, तो इस टाइप के लोग हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी की तैसी करने नहीं आए हैं। बस हाँ, इतना जरूर है कि इससे जो इनकम आने वाली है तो जिसके घर में एसी नहीं है उसकी जरूर एसी लग जाएगी। कोई इसे दुनिया की जालसाजी कंपनी समझ रहा है, तो भाई जालसाजी कंपनी हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके साथ कोई जाल बुना जा रहा है, कि आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, कि आपके साथ कोई दगा कर रहा है, या आपको कोई किस तरीके से बहला फुसला करके फाउंडरशिप में लेके आ रहा है, या ऐसा आपको कोई बहुत बड़ा लालच दे रहे हैं, या बहुत बड़ा कुछ कह रहे हैं कि आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जालसाजी वाले जो शब्द है ये केवल वही शब्द इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पर बहुत सारे जो धोखाधड़ी वाले काम होते हैं, या जो बेवकूफ बनाने वाले जो काम होते हैं, या फिर यूं कहें कि जहां पर टोपी पहनाने वाले काम होते हैं, केवल ये काम वहीं पर ही किया जाता है। यहां पे जालसाजी नहीं, यहां पे प्योर बिजनेस करने के लिए आए और इसलिए इतना टाइम लग रहा है यहां पे। और कोई इसको बेड़ा गरक करने वाली कंपनी समझ रहा है, भाई साहब बेड़ा गरक का मतलब जानते हो? बेड़ा गर्क का मतलब होता है कि सब कुछ आपका लुट जाना, सब कुछ आपका बर्बाद हो जाना। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे आप बर्बाद होने वाले हो, और तो फिर मैं तो उनसे इतना ही कहूंगा कि आप गलती से फाउंडर बन गए हो। यहाँ पे आपको किसी ने जबरदस्ती फाउंडर बना दिया है, आपने ना तो कोई इसके बारे में पूरी जानकारी ली है ऑन पैसिव के बारे में, और ना ही आपने किसी से जांच पड़ताल की, बस आप शायद गलती से किसी के कहने पर आप मेरे रिश्तेदार हो, मामा हो, फूफा हो, चाचा हो, ताऊ हो, तो आप बन गए हो। तो बस यहाँ पे इतना ही है कि यहाँ पे कोई बेड़ा गर्क किसी का नहीं किया जाएगा, बस यहाँ पे यह है कि यहाँ पे सभी का बेड़ा पार किया जाएगा। बस थोड़े और कुछ महीनों की बात है, फिर आप देखना कि बेड़ा पार होता है या बेड़ा गर्क होता है। तो ये कुछ थे हमारे कुछ बहुत सारे लोगों के सवाल, जिस तरीके से लोग कंपनी को समझ रहे थे। मैं उनसे कहूंगा कि आप इस तरीके से बिल्कुल भी शब्दों को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पे एक परिवर्तन इस दुनिया के अंदर, एक बहुत बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी एक चेंज योर शेप ऑफ द लाइफ, जितनी भी हमारी जो लाइफ है उसको पूरी तरीके से उसका शेप चेंज होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो अगर आप फाउंडर बन चुके हैं तो बस आप 100% इस जीत के हकदार हैं और आप विनर हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और आपको जश्न मनाना चाहिए इस चीज का कि ऊपर वाले ने आपको एक बहुत बड़ा फाउंडरशिप बनने का मौका दिया। तो दोस्तों ये थी वीडियो। जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी ऑन पैसिव को समझ रहा है उसे समझने दो, बस हम लोगों को सही तरीके से और पॉजिटिवली इस कंपनी को जो है ऊपर तक लेके जाना है। और जो भी वेबिनार्स होते हैं, जो भी हमारे सेमिनार्स होते हैं, और जो भी आने वाले टाइम इवेंट्स होते हैं, उसमें जो भी हमारी लेटेस्ट अपडेट होती है, जो भी जानकारी होती है, हमें केवल उन्हीं चीजों पे भरोसा करना है जो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दें, और उन्हीं चैनल्स को आपको हमेशा देखना है जो आपको रियल इन्फॉर्मेशन दें। आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई भी नेगेटिव वीडियोस बना रहा है, आप
उन सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं सुनना है, ऐसे चैनल्स को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है। तो आप कुछ भी कहते रहो, दुनिया कुछ भी कहते रहे, बस आप इसके अंदर बने रहो, जो भी होगा वो सब सामने आ जाएगा कि जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है। ओके, तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ और नए एक्साइटमेंट के साथ, जिससे कि आप लोगों का भी हौसला बने और आप लोगों के मन में भी एक विश्वास बना रहे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, विश यू सक्सेसफुल, एंड वी आर इन इट टू win it.